आपका स्वागत है मनीष मैथ्स पे। ठीक है, जैसा कि हम लोग का टॉपिक चला रहा है नंबर सिस्टम, जैसे टॉपिक अलग अलग डेली बदल बदल के, क्योंकि सारे चैप्टर को धीरे धीरे टच कर रहा है। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ ली है, नंबर की जानकारी पढ़ ली है, गुणनखंड पढ़ लिया है। आज हम लोग भरसक प्रयास करेंगे तीन टॉपिक कवर करने की। कौन कौन से तीन टॉपिक है? पहला कौन सा टॉपिक है? तो वो है नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम पावर, ये दोनों एक है। और एक बड़ा टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है यूनिट प्लेस। एक नंबर श्योर है, चाहे जीडी रहे, चाहे यूपीपी रहे, चाहे आपका सीपीएसआई रहे, सीजीएल रहे, हर जगह इन तीन टॉपिकों में से एक सवाल आपका आना ही आना है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मैक्सिमम पावर। सबसे पहले हम क्या शुरू कर रहे हैं? मैक्सिमम पावर। देख लीजिए, मैक्सिमम पावर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसकी बात को समझ लेना। मैक्सिमम पावर क्या होता है? पावर क्या है? पावर को हम क्या बोलते हैं? घात। घात क्या होता है? घात लगाना नहीं है। ठीक है, दोस्ती में जैसे लोग घात लगाते हैं, वो घात लगाना नहीं है। ठीक है, घात का मतलब है, ध्यान से समझना, कि पावर, पावर कैसे, जैसे किसी भी चीज का कोई भी ऐसी संख्या हो जो 3-4 बार गुणा हुई हो, और इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, जैसे 2 to the power, अगर ये 2 कितनी बार आया? 5। एक अक्षर में लिखना है तो 2 to the power हम क्या लिखेंगे? 5। इसकी बेस क्या हो, इसको क्या बोलेंगे? बेस। और हिंदी वाले इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। ठीक, और ये होता है आपका पावर। पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? घात। सारी लड़ाई बाबू इस जिंदगी में इसी की है। किसकी? घात की। अगर तुम्हारा पावर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। जैसे कोई कहता है ना, चपरासी, कि हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, इज्जत करोगे नहीं तो जाओगे कहाँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर पावर में नहीं रहो, और सारी दुनिया की लड़ाई इसी पावर के लिए हो रही है, तो पावर समझ गए, घात समझ गए, इसको क्या कहते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट तो ये है, दूसरा एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या है? इसको हम लोग कहते हैं क्रमानुगत, क्रमानुगत गुणा। क्रमानुगत गुणा कहने का क्या मतलब, इसका तात्पर्य समझना। क्रमानुगत गुणा कहने का मतलब है, जैसे अगर तुम्हारे कॉपी में कहीं दे दे 6 फैक्टोरियल, 2 साइन है, फैक्टोरियल एक्सप्लेनेटरी साइन से भी, जिसे हिंदी का विस्मयादी बोधक भी बोलते हैं, अंग्रेजी का एक्सप्लेनेटरी या फिर ज्योमेट्री का, और तुम इसको चाहे लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये भी फैक्टोरियल है, एंगल बोलते हैं। ठीक, तो इन दोनों को डिनोट किया जा सकता है इसके। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? फैक्टोरियल का मतलब है 6 से लेके 6, 5, 4, 3, 2 और 1, 6 से लेके कहां तक? 1 तक का इनटू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल, किसी भी संख्या का। जैसे अगर मान लो 10 फैक्टोरियल आ गया, तो 10 फैक्टोरियल में, 10 फैक्टोरियल में हम क्या करेंगे? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 तक, इसी को हम बोलेंगे 10 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? फैक्टोरियल। अब जब हमने बोला मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर किसकी आएगी? देखो, जैसे बूढ़ पुरनिया लोग थे, जैसे बूढ़े लोग, जैसे जो लोग हम लोग के सीनियर थे, वो जब क्वेश्चन पेपर बनाते थे तो वो ये ध्यान देते थे कि मैक्सिमम पावर हमेशा एक किस संख्या की निकाली जाएगी? अभाज्य संख्या की। किसकी? अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या में कौन आता है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो स्वयं से कटती है, और किससे कटती है? खुद से कटती है, खुद से और एक से। जैसे एग्जांपल के रूप में सबसे छोटी कौन सी होगी? 2, 3 और फिर 5, 7, 10, ऐसे आते रहेंगे। तो ये है अभाज्य संख्या, लोग इन्हीं का पूछते थे। लेकिन अब जो नए लड़के पेपर सेटर तैयार हुए हैं, वो किसका पूछते हैं? अब वो किसी भी संख्या का पूछ देते हैं, भाज्य का भी पूछ देंगे, अभाज्य का भी पूछ देंगे, किसी का भी पूछ देंगे। तो अब तुमको उस पर कॉन्सेप्ट बनाना है। तो पहले हम लोग अपने पूर्वजों से सीखेंगे कि अभाज्य का कैसे निकालते हैं, अभाज्य का हम लोग फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, जैसे मैक्सिमम पावर निकालना। अब ये मैक्सिमम पावर है क्या, इस चीज को ध्यान से समझो। जैसे मैक्सिमम पावर है क्या,
ये चीज समझना, जैसे मैक्सिमम पावर कह दिया क्या चीज है, जैसे अगर बोल दिया कि 10 फैक्टोरियल में, 10 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात बताइए, 2 की अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात बताइए, ठीक है, किसमें, 10 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात। सवाल ऐसे ही आएगा, जैसे सवाल कैसे आएगा, मान लीजिए 100 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम घात बताइए, 1000 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम घात बताइए, सवाल ऐसे ही आता है, फैक्टोरियल समझ लोगे। तो अब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, पहले अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया गुरु तो हमारे लिए कोई कहानी बड़ी नहीं है। 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये तो ये क्या चीज है, ये चीज ध्यान से समझना है। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना, 10 से लेके 1 तक का गुणा, ठीक, इसी को हम फैक्टोरियल। अब इसमें हमको क्या चाहिए, ध्यान से देखना क्या चाहिए, 2 की अधिकतम घात। अब 2 की अधिकतम घात कहने का मतलब क्या है, 2 कहां है, यहां, कै बार, एक बार, 2 यहां कहां है, कै बार, 2 बार, 2 यहां कितनी बार है, 3 बार, यही गलती होगी, नहीं भी, 2 गुणे 3, तो 2 1 बार, ठीक, यहां 2 कितनी बार है, 2 यहां 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा जाएगा, तो 2 यहां कितनी बार आएगा, 3 बार, और यहां 2 कितनी बार आएगा, 1 बार। तो अब ध्यान से देखो 2 कुल कितनी बार आ गया, 2 कितनी बार आ गया, 3, 2, 5, 3, 8 बार, क्या बार, 8 बार, 2 कितनी बार आया, 2, 8 बार। तो इसी का जब इन्हीं को कंबाइन किया जाएगा तो यही लिखा जाता है 2 पे पावर 8। आगे बात समझ में, अधिकतम घात किसको कहते हैं, ये अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बवाल मचेगा, अगर ये आ जाएगा तो बात आराम से हो जाएगी। अब अगला देखो, मान लो कोई टीचर और मुड़िया गया, ठीक है, मेरी तरह कहा 3 की अधिकतम घात बताइए, ठीक है, तो 3 की अधिकतम घात के लिए क्या करोगे, 3 जहां जहां रहेगा वहां वहां चोट करेंगे, तो 3 कहां है, यहां, कै बार, 1 बार, 3 यहां है, कै बार, 1 बार, 3 यहां है, कै बार, देख लो 3 गुणे 3, तो 3 यहां कै बार, 2 बार। तो अगर मैं पूछ दूं 3 की अधिकतम घात कितनी आएगी सर, तो आप 3 की अधिकतम घात कितनी कहेंगे, सर 2, 1, 3, 1, 4, तो आप कहेंगे 4 बार, तो हम कह देंगे 3 की अधिकतम घात कितनी है, 4। यही है, यही हमको बस निकालना है। अब ये निकालने के लिए, अब बताओ अगर मान लो 100 फैक्टोरियल आ जाएगा तो बैठ के इसे ढूंढा जाएगा, नहीं। अब तुमको हम इसका निचोड़ बता रहे हैं, शॉर्टकट क्या करना, देहतिया है, लगा देना, कोई बोलेगा कैसे आया कह देना, तो उसे आंसर से मतलब होगी चाहिए, कोनो और चीज से नहीं। असल बात हम इसको 2 से, पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं 2 के पावर से डिवाइड करते जाएंगे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, अगर 2 चाहिए तो। तुम पढ़वैया मत बनना, तुम कह देना हमको कुछ आता जाता नहीं, तो क्या आंसर से मतलब, आंसर तो कह देगा, ठीक है। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 2 से काटेंगे क्या बार में, 5 बार, ठीक। फिर हम इसी को अगर जिसका मैक्सिमम पावर चाहिए उसी से काटेंगे, 2 से फिर इसको काटेंगे, ठीक है, तो 2 दूनी 4, जो बच गया उसकी चिंता नहीं, ये नहीं कि ढाई कर रहे हैं, शेष बच गया, हाई बच गया, हो गया, कोई टेंशन नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा। सेम उसी तरीके से 2 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 1। अब इसको छोड़ दीजिएगा और इसको जोड़ दीजिएगा, 5, 3, 8, देखिए आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था, ठीक। तो सेम यही कॉन्सेप्ट, अगर मान लो अब कह रहे चलिए इस पे आ गया, 3 पे सिद्ध कराइए, तब तो जाने आपको कोई दिक्कत नहीं, आप 3 पे सिद्ध करा लीजिएगा, तो 3 पे कहाँ सिद्ध कर ले, 3 पे यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, 3 पे करने के लिए कर लेंगे, कैसे करें, कुछ जगह वगैरह दिख नहीं रहा है, चलो वही करते हैं, ठीक है, इसका उससे किए तो इसका इससे कर दे रहा है, 3 का 10 है, 10 को हम किससे काट लेंगे, 3 से, 3 आ जाएगा, 3 से काट लेंगे कितना आ जाएगा, 1। अब कटेगा नहीं तो इसको छोड़ेंगे, 3, 1, 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 का अधिकतम घात कितना आया है, देख लीजिए ध्यान से, 3, 1, 4, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस मैक्सिमम घाट ढूंढना, तरीका यही है, कितना भी धाकड़ सवाल है कर लेना। अब ये तो हो गया भाज्य संख्या का, एक आध सवाल और प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई पूछ देता है कि 100 फैक्टोरियल में
100 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम घात बताइए। तो कुछ लोग को रटा होता है ये, ठीक है, 5 की अधिकतम घात बताइए। तो आप क्या करते हैं, हम कह देते हैं ठीक है सर 100 है, 100 को किससे भागने देंगे, 5 से भाग दिया तो यहाँ सर कितना आ जाएगा, 5 से भाग देने पे ये आ जाएगा आपका 20। सेम 5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 4। अब कटेगा नहीं 5 से, जिसका चाहिए उसी का, तो हम छोड़ देंगे। तो 5 पे घात कितना आ जाएगा, 24, यानी इसका मैक्सिमम घात कितना आ सकता है, 24, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक, बात समझ आ गई। जैसे अब कोई अगर पूछ दे आपसे बाय द वे कि चलिए 1024 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम घात बताइए, दे दी 1024 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम घात बताइए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, अधिकतम घात के लिए 7 से आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7 3 0 हुआ 7 चौके 28 28 4 चौके 7 6 42, यही होगा, ध्यान से देख लेना फिर से, 7 एक कम 7 3 2 बचा 7 चौके 28 4 4 बचा 7 6 42, जो बच गया उसकी चिंता हमको नहीं करनी है, हम 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, आधा से ज्यादा पब्लिक धारा साई, ठीक है, और दू लिख के बैठ जाएगा, काहे बैठ जाएगा भी, इसके करीब बोले है ना, तो दू बार पढ़ोगे तो 14 ही होगा, क्या इसके करीब है, नहीं, तो हम यहाँ क्या बढ़ाएंगे, 0, बस समझ आ गई, 6 बच गया छोड़ देंगे। ठीक, फिर हम 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, जो बच गया उसको छोड़ देंगे। तो अगर मैं पूछ दूं आपकी 7 की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 168 घात हो जाएगी, किसकी, 7 की अधिकतम घात। कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आया, ठीक, यहाँ तक समझ में आ जाएगा तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपका कैसा संख्या दे दे, आपकी जब संख्या दे दे कि भाज्य संख्या पे दे दे, ये तो अभाज्य पे निकल जाएगा, कैसा भी रहेगा उसी संख्या से काट देना। जैसे मान लो कोई सवाल आपको मिल जाए कि 2025 पे 11 का मैक्सिमम घात बताइए, ठीक है, 2025 फैक्टोरियल पे 11 का मैक्सिमम घात, तो सेम इसी तरीके से करना है, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अब हमको क्या करना है, भाज्य संख्या का कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। भाज्य संख्या का किसी से पूछ दोगे ना तो वो कहेगा भाई सवाल ही नहीं बन सकता, तो ऐसा कुछ मत करना, बनेगा सवाल। भाज्य संख्या का मैक्सिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम घात कैसे आएगा, ध्यान से समझना। जैसे एक छोटे से सवाल के साथ क्लिक करवा रहे हैं इसको, जैसे अगर आपसे पूछ दे 100 फैक्टोरियल में 6 नहीं कर रहे हैं, 12 कर दे रहे, ज्यादा समझ में आएगा, 12 की अधिकतम घात बताइए, 12 की अधिकतम घात बताइए, अधिकतम घात बताइए किसकी, 100 फैक्टोरियल में 12 की अधिकतम घात बताइए। अब ये सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लड़के फंसेंगे, कैसे फंसेंगे, अब ध्यान से समझना, ब्रेक डाउन करना किसका, 12 का, किसका ब्रेक डाउन करना, 12 का, 12 का ब्रेक डाउन कैसे होगा, 12 का ब्रेक डाउन होगा 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1, हमको ये रूप देना है। अब जैसे मैं कह दूं, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, कह दूं कि मेरा कोई अगर, मान लो कोई मेरा अगर, कहने का मतलब है कि रेस्टोरेंट हो, और मैं कह दूं कपल एंट्री है और तुम 5 लड़के हो और 3 लड़कियां हैं, तो कपल में कितना घुसोगे, 3, कपल में 3 ही घुसोगे, ऐसा तो है नहीं जबरदस्ती कहोगे नहीं हम 3 के साथ 5 एडजस्ट हो जाएंगे, ये काम नहीं होगा। हाँ आज के डेट में होता है, लेकिन ऐसा करोगे नहीं, ठीक है, वहां नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पहले ही बाउंसर खड़ा रहेगा, तो ये चीज याद रखना। अब यहां 12 बनाने के लिए सबसे पहले आपको वो अभाज्य संख्या देखनी पड़ेगी कि किसका ये गुणनखंड है, तो 2 है और कौन है, 3 है, 2 है और 3, तो तुम्हें 2 और 3 का मैक्सिमम घात निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे किसमें, पहले निकालते हैं, इधर देख लो 100 फैक्टोरियल में
दो की अधिकतम घात, तो दो से काटेंगे 50, दो से काटेंगे 25, फिर दो से काटेंगे 12, फिर दो से काटेंगे 6, फिर दो से काटेंगे 3, फिर दो से काटेंगे 1, सबको छोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक। तो दो पे जोड़ा तो मेरा कितना आया, 50, 25, 75, 12, 87, 87 और 6, 87, 6, 93, 93 और 4, 97। तो गुरु हमको मिला दो पे पावर 97। देखना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लग रहा होगा बड़ा मजा आएगा, लेकिन अगर दे दो किसी को वो पहले ही क्विट करके भाग जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या करना है, तीन का मैक्सिमम घात, तो हम तीन लिखेंगे, तीन लिखा, तीन से निकालेंगे, तीन से काटा कई बार में 33, तीन से काटा 11 बार में, तीन से काटा 3 बार में, जो बच गया उसको छोड़ देना है, टेंशन नहीं। कैसे लिख रहे हैं किसी को नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो पॉज करके और ध्यान से समझ लेना, रिमाइंडर को मत सोचो, जितना बार में कट रहा है वही देखना है, ठीक। तीन तरीके लो, कितना बचा, तीन एकम 3, एक का छोड़ेंगे 44, 44 4 48। तो गुरु हमको मिला तीन पे पावर 48। अब बात ठीक ठाक है, समझ लो, हमको अब इसे ये रूप देना है, रूप देना है, ठीक। तो रूप कैसे देंगे, हम करेंगे इसको दो पे पावर 2 और बाहर जाएगा 48 और यहाँ आ जाएगा 2 पे पावर 1। ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्यों, हमको 2 पे पावर 2 वाला चाहिए और यहाँ 3 पे पावर 48। बात समझ में आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं, बोलिए 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर कुछ नहीं, बाहर ऐसे ब्रैकेट करके लिख देना है 48, किसी को ऑब्जेक्शन, तो हम लिख सकते हैं 12 पे पावर 48। तो 12 का मैक्सिमम घात कितना मिलेगा मेरे भाई, कितना मिलेगा 48, याद रखिएगा। अगर यही 24 रहता, क्या रहता यहाँ पे 100 के मैक्सिमम घात पे क्या रहता, 24, तब हम 24 रहता, बाय द वे ये 24 रहता, तो 24 रहता तब हमको क्या करना पड़ता, 24 रहता तब हम करते 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1, तब इसके घात को हमें 3 से भाग देना पड़ता, तब हम लिखते 2 पे पावर 3 और ये होता 32, 32 थी यहाँ 96 और ये होता 3 पे पावर 48। यही रहता, 3 वाले तो डिस्टर्ब होता नहीं, अरे ये तुम्हारा कितना था 2 पे 97 था ना, और 1-2 मेरा बच जाता जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता, ध्यान से समझ लीजिएगा, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता, नहीं करता तो कट जाता, बात समझना, ये एक अलग सवाल है, ठीक है, ये अलग है, अगर 24 का पूछ देता तब का बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये वाला तो 48 आ गया, 12 पावर 48। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करते, देखो वही बात हो गई, अगर 32 है, 32 और 48 में कितने लोग जोड़ा में आ सकते हैं, तो जिसकी संख्या कम रहेगी उतना ही जोड़ा पॉसिबल है, बात समझ आ गया, उतना ही जोड़ा पॉसिबल है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखते, यहां लिखते 2 पे पावर 3 × 3 पे पावर, लिखते क्योंकि इसी से 24 बना है, और भैया 32 से ले सकते हैं क्योंकि 32 जोड़ा ही बनाने, वही बतिया हो गए कि 5 लड़के 3 लड़कियां हैं, तो कपल्स कितने आएंगे, 3, जितनी कम रहेंगी उतनी ही आएंगी, ठीक है। अगर 6 लड़के हैं और 1 लड़की है तो कपल में एंट्री कितने की होगी, 1 की, ठीक है, 5 बैठ के ताकते रहेंगे कब आएगा बेचारा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे पावर 32, तो हम 24 पे पावर तब क्या लिखेंगे 32। ये चीज स्क्रीनशॉट लेना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस चीज को मिलाना मत, ठीक है। तो 24 पे पावर क्या हो जाएगा 32, इसका मैक्सिमम पावर, ये बहुत तगड़ा वाला, ये जब भी एग्जाम में आएगा लड़कों को रूल आके जाएगा, वैसे तो आएगा नहीं, वैसे आना नहीं चाहिए छोटे एग्जामों में, बड़े एग्जामों के बच्चों के लिए ये पेपर है, जैसे सीजीएल उजल में हो गया, सीपीओपीओ में हो गया, तो ये बड़ा काम की चीज है, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लेना, ठीक, अभी एक और फ्रेश क्वेश्चन के साथ बता रहे हैं, तब इसको, तब तक इसको नोट कर लीजिए, हो गया, चलिए मिटा रहे इसको, देख लीजिए नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। जैसे अगर हम सवाल पूछ दें, यही सवाल ले लेते हैं 36 9, जैसे कह दिया 200 फैक्टोरियल में 54 की मैक्सिमम घात बताइए, 54 की
अधिकतम घात होता है, ठीक है। फैला दो बाबू, कह तो रहे हैं कोई चीज आपको छोड़ेंगे नहीं पढ़ाने के लिए, बस आप मेहनत करते रहिए, थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर एक कंटेंट आपको मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसका खंडित करेंगे, इसको क्या करेंगे, खंडित करेंगे। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 2×27 हम लिख सकते हैं, 2×3³। तो हम फैक्टोरियल करेंगे किसका, वही चीज फिर इधर हम धीरे से कर ले रहे हैं, कोई देख ना पाए। 2 का करेंगे, 2 से काटेंगे 100 आएगा, 2 का करेंगे 50 आएगा, 2 का काटेंगे 25 आएगा, 2 का करेंगे 12 आएगा, 2 का काटेंगे 6 आएगा, 2 का काटेंगे 3 आएगा, 2 का काटेंगे 1 आएगा। तो लगभग लगभग ये सारा हमारे पास था इससे पहले, इसको जोड़े थे तो हमारा 97 आया था, और 100 और ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें पूरा लेना है, इसको छोड़ देना है। तो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर, देखिएगा ध्यान से, 197, कोई दिक्कत, ठीक। अब 200 फैक्टोरियल में हमको क्या चाहिए, 3 की मैक्सिमम घात, तो 3 से करेंगे 66 आ जाएगा, आएगा फिर 3 से काटेंगे गुरु इसको भी, तो 3 से काटेंगे 22, 3 से काटेंगे 7, 3 से काटेंगे 2, अब ये कटेगा क्या, नहीं, तो इसको छोड़ देंगे और इसको नोट कर लेंगे, नोट करेंगे कितना हो जाएगा, 88 × 7 = 95 × 2 = 97, तो ये कितना आ जाएगा, 3 पे पावर 97। बात कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, समझना, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। हमें रूप किसका देना है, रूप की रानी इसको बनाना है, ठीक। कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, बनेगा कैसे, अब देखिए हम कह रहे हैं 2 तो भैया छेड़ो ना, क्योंकि वो 1 है उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3 का रूप दो, 3 का रूप देंगे तो ये आ जाएगा 3 पे पावर 3, तो बाहरवा बैठेगा 32 और 1 3 छटक जाएगा जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब ध्यान से यहां समझना, अब हमको 2 पे पावर कितना चाहिए, ध्यान से देख लीजिएगा, 2 पे पावर हम उतना ही ले सकते हैं जितना कि इन दोनों पे कम पावर है, कम कितना है 32, तो हम 2 पे लेंगे गुड़े और यहां ले लेंगे 3 पे पावर 3 और बाहर बैठेगा 32, बाकी इस पे बैठ जाएगा, 32 हटा देंगे तो 2 पे पावर 165 × 3 पे पावर 1, कोई भी इसका रोल इसमें नहीं होगा, इसमें इसका रोल नहीं होगा। अब बात ध्यान से समझना, तो हम इसको लिख सकते हैं 27×54³, तो मैक्सिमम घात, ध्यान से देख लेना, मैक्सिमम घात आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम घात क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देख लीजिएगा, 32 आंसर यहां से क्या आ जाएगा, 32, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये एक्सपर्ट समझ में आ गया तो मैक्सिमम घात समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम घात समझ में आ जाएगा तो मेरी आधी लड़ाई खत्म, ठीक। तो यही है मैक्सिमम घात। चलिए अब अगला स्लाइड देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, मैक्सिमम घात यही रोक रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो होता क्या है, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ जीरो होता है आपका, जीरो कैसे बनता है, सबसे बड़ी बात, जैसे अबे कह दिया जाए 100 है, 100 में कुछ तो गणित में हुआ होगा कि डबल जीरो आया, ठीक है, 10 हुआ तो 10 में 1 0 आया, क्यों आया, ठीक है, इसके पीछे रीजन है क्यों होता है, हम लोग बस पढ़ते नहीं है, इस चीज को ध्यान से समझ, जब जब ये याद रखना 2 और 5 का मिलन होगा, किसका किसका मिलन होगा, 2 का और 5 का अगर मिलन होता है, बाई द वे 2 और 5 का मिलन होगा, तो ऐसी स्थिति में संख्या के आगे 0 लिखी जाएगी, जितना 2 और 5 मिलेगा, सपोज कर लो बेसिक सवाल पूछ लेगा, 2 पे पावर 16 × 3 पे पावर 15 × 5 पे पावर 12, नॉर्मल सा सवाल, कहेगा 0 की संख्या बताइए, कुछ नहीं किया, कोई हार्ड सवाल नहीं, एकदम मरा हुआ सवाल है, लेकिन लड़के देख के बउआ गए, अरे दादा ये तो पढ़े ही नहीं, और टीचर टच भी नहीं करते, सबसे बड़ी बात है टीचर इसको टच भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम है कैसे बन रहा है। तो सबसे बड़ी बात हम क्या बोले, 2 और 5 के मिलन से बनेगा, तो 2 पे पावर 16 और 5 पे पावर 12, ये बताओ मिलन कितना होगा, अभी मैंने कहा जोड़ा कितना बनेगा, जितना कम रहेगा, जो कम रहेगा वो कितना है 12, यानी शून्यों की संख्या कितनी 12, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, जितना कम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा पावर में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब फैक्टोरियल पे आ जाना, फैक्टोरियल को समझना जरा। देखो जैसे जीरो जब भी पूछा जाता है तो लड़के क्या करते हैं, जैसे 10 फैक्टोरियल पूछा जाएगा ना तो वो 5 की मैक्सिमम घात निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 5 की मैक्सिमम घात। और उनसे पूछ लिया जाए क्यों निकालते हो, क्यों निकालते हो 5 की मैक्सिमम घात बताओ, तो उनके पास जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? बात समझना, जिसे हमारे बुढ़ पुरनिया कहत रहने, का कहत रहने बाबू, काले रहने कि ससुरारी ढेर मत जइया, काहे ढेर जइबा तो इज्जत कम हुई, मालूम चली पनियों ले आके खुद पिए पड़ी, खाए वो खुद खाए पड़ी, और अगर अपने ससुराली में ढेर दिन पे जइबा बड़ी सेवा सत्कार करी है, इसलिए ससुराल बार बार नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जहां तुम्हें इज्जत प्राप्त करनी है वहां तुम बार बार मत जाओ। जैसे अब तुम अपने घर पे बरोज रोज आते हो, तुम्हारी क्या इज्जत है? 10 पैसे की नहीं, ठीक है, 1 पैसे की इज्जत नहीं रहेगी। वही तुम्हारी जब नौकरी लग जाएगी, ठीक है, तो अपने ही मम्मी पापा का नजरिया बदल जाता है। हमारे बाबू आज बड़ा काजू किशमिश किया था, बिस्कुट किया था, नजरिया अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का गौर करिएगा कि पहले कामयाब बनिए, ठीक है, माँ बाप तो साथ अंत तक देंगे, तो ये चीज याद रखिएगा। तो इसलिए जब आपको इज्जत कहीं पानी है तो कम जाइए, रोज रोज जाएंगे बड़ी बेइज्जत हो जाएंगे। चलिए, सेम वही हाल होता है, हमने कहा 2 और 5 पे सर डिपेंड है, हमने क्या बोला 2 और 5 पे डिपेंड है, लेकिन दू देखो हर दूसरे के बाद मुंह उठा के बैठा है, भैया हम आए हुए हैं, भैया हम आए हुए हैं, भैया हम आए हुए हैं। जब तुम इतनी बार आओगे तो तुम्हारी इज्जत होगी? नहीं। 5 वही इज्जत से शान से कहता है अबे हम कम बार आए हैं, हम क्या आए हैं, कम बार आए हैं, कहां कहां आए हैं देख लो, हम कम बार आए हैं तो मेरी इज्जत ज्यादा होगी। तो जब भी फैक्टोरियल का केस रहेगा तो हम क्या करते हैं, 5 का निकालते हैं। क्यों? अभी देखो वही बात मैंने कहा, 2 पे पावर 8 अभी हम निकाले थे और 5 पे पावर यहां के हिसाब से कितना आ जाएगा, 2। तो ये बताओ 0 कितनी बनेगी, जितना 5 पे कम रहे, कम यही पे ना रही, कहे कि कम बार आई बा, यही लिए हम लोग किसका मैक्सिमम घात निकालते हैं, 5 का। ठीक है, 5 का निकालते हैं, 2 का नहीं निकालते हैं, 2 का निकालने का हो सकता है नहीं है, 2 तो भाई मैक्सिमम बार तो मुंह उठाया ही है, भैया हम हर दूसरी पे आएंगे, तुम हमको रोक के दिखा दो। तो यहां 0 की संख्या क्या हो जाएगी, अगर इस पूरे को गुणा किया जाएगा तो 2 0 लास्ट में आएगा, उसके बाद संख्या होगी। या तो ये सवाल कह सकता है दाई ओर से शून्यों की संख्या कितनी, कह देगा ठीक 10 फैक्टोरियल में दाई ओर से शून्यों की संख्या कितनी, तो 0। आगे बात समझ में। अब यही सवाल जब आता है तो ध्यान से देख लेना, यही सवाल जब आता है नेक्स्ट स्लाइड में तो कैसे आता है, ये सवाल है आपके आर एस अग्रवाल में, वो भी शायद मेरे ख्याल से गलत दे दिया है। 100 फैक्टोरियल में दाएं ओर से शून्यों की दाएं ओर से शून्यों की संख्या क्या है, ठीक है, यही सवाल है। तो हम क्या करेंगे, 2 का तो निकालेंगे नहीं, हम 2 का निकालेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में ध्यान से देख लो क्या करेंगे, 2 का निकालेंगे नहीं, तब हम क्या करेंगे, तो हम 100 फैक्टोरियल में हम ध्यान से निकालेंगे, तो 100 फैक्टोरियल में किसका निकालेंगे, 5 का, किसका निकालेंगे, 5 का, क्योंकि 2 का निकालना नहीं है, तो 5 से काट देते हैं इसको, 5 से काट देंगे कितना रहेगा, 20, और 5 से काट देंगे 4, तो इसको छोड़ दिया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है, तो कितना 0 हो जाते हैं, 24 0 हो जाते हैं। बस समझ जाके ये इसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं। अब जैसे मान लो 450 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या पूछ दे, 450 में शून्यों की संख्या, तो हम 450 को किससे भाग देंगे, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, फिर 5 से काटेंगे 18 5 90, फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 3, तो इसको छोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 है, ये हो जाएगा आपका 108, 3 111। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बताइएगा।
सौ फैक्टोरियल तक में, ये कहाँ तक है, शून्यों की संख्या, ये क्या था, ये क्यों 11 लिखे हैं, अच्छा ठीक है सॉरी 111 आया है, ये 450 में इतना जीरो आ जाएगा, 111 जीरो होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस पर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते चलते हैं। अब इसमें सवाल आता है, फर्स्ट वेराइटी क्या आएगी, समझ लीजिएगा। फर्स्ट वेराइटी आएगी, कह देगा तुमसे कि 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी, ठीक है। ये सवाल आ जाए, 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे कर रहा है। तो इसमें आपको 100 का भी निकाल लो, 200 का भी निकाल लो, प्लस साइन है, जब भी प्लस और माइनस रहेगा तो दोनों निकाल के रख लो, लेकिन काम नहीं करेगा। काम किसका करेगा, जो कम वाला रहेगा। कैसे, कॉन्सेप्ट समझो। जैसे अगर मेरे भाई मैं तुझसे कह दूं कि तुम 10,000 में 100 जोड़ दो, तो आप कहोगे हाँ सर हमने जोड़ दिया। तो हम कहेंगे बच्चा कितना जीरो दाएं तरफ से, तो कुछ मूर्ख बैठे होंगे कहेंगे 3 जीरो। क्या कहेंगे, 3 जीरो, कहें कि लौकता 1 2 3 नहीं है, कितना होगा दाएं ओर से कितना जीरो, 2 जीरो। क्यों 2 जीरो आया, क्योंकि ये वाला चच्चा ब्लॉक कर दिया, क्या कर दिया, ब्लॉक हो गया। अब इसको ब्लॉक कर दिया, यहां से या तो घटेगा या तो जुड़ेगा, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस, लेकिन यहां ब्रेक कर देगा। तो ये बात याद रखना, जो कम वाला रहेगा वही होगा जीरो की संख्या। किस केस में, किस केस में, प्लस और माइनस के केस में कम वाला आंसर है। कम वाला क्या है, आंसर। तो कम कितना है, 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल का हमने निकलवा लिया आपसे, कितना किया है, 5 से गुरु कर दो, 5 से गुरु कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, 5 से कर दीजिए कितना आ जाएगा 4, और 5 से कर दीजिए इसको कितना आ जाएगा, नहीं कटेगा, सॉरी गुरु ये नहीं कटेगा, ठीक है, कटेगा नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो कितना जीरो हो जाएगा, 24 जीरो। आ गया बात समझ में, तो इसमें कितने जीरो होंगे, 24 जीरो। तो ये कंडीशन है, प्लस के कंडीशन में कम वाला लोगे, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अपने साथ बगल में लिखा करो, बाद में कभी बाय द वे हम जीवित रहें ना रहें, कॉन्सेप्ट जिंदा रहना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा कहता है कि जब 100 फैक्टोरियल गुड़े, क्या कर दें, 200 फैक्टोरियल, गुड़ा का कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है, गुड़ा का, भाग आता नहीं है याद रखना, डिवीजन में हो सकता है वो पर में हो जाए, और पर में हो जाए कटे ना कटे, तो भाग में सवाल नहीं बनेगा, या तो प्लस बनेगा या तो माइनस बनेगी या तो गुड़ा बनेगा, ठीक है। तीसरा भाग कभी आज तक सवाल बना नहीं है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, गुड़ा का जब भी कंडीशन रहेगा तो गुड़ा के कंडीशन में शून्यों की हमको निकालना था ना, हम निकाल रहे थे शून्यों की संख्या। देखना शून्य की स्पेलिंग गलत हो गई है क्या, गड़बड़ तो हुई है कुछ, सही कर देते हैं, लिख लेते हैं शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना। 100 फैक्टोरियल में अभी हमने निकाला है, 100 फैक्टोरियल का फिर से निकाल ले रहे हैं, 5 से काट देंगे 20, 5 से काट देंगे 4, ये खत्म हो गया, ये जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 24। और 200 फैक्टोरियल में किससे काट लेंगे, 5 से काट लेंगे 40, 5 से काट लेंगे 8 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे, फिर 5 से काटा 5 एक कम 5, अब ये क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। तो जब भी ये कॉन्सेप्ट रहेगा जोड़ देंगे। आप कहोगे गुरु हमें तो कॉन्सेप्ट बतेला है, यहाँ काहे नहीं बताऊंगा, तो यूं बताएंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 73। कैसे आएगा 73, इस चीज को ध्यान से समझना, 73 आएगा तुम्हारा इस कॉन्सेप्ट से कि जैसे ही यहां तुमसे कहा जाता है याद करो, याद करो वो बुला रही है मगर जाना मत, ये से कह दिया जाता है, गुड़ा कर मेरे भाई, क्या कर दे, गुड़ा कर दे। तो गुड़ा करने को कहेगा तो क्या करेगा, एक लिखते हो याद करो, क्या करते हो, 5 जीरो लिखते हो कि नहीं बिना बताए, याद आ रहा है, जब कहा जाता है 100 × 10 करो तो क्या कभी पूछ के करते हो, कह तो नहीं जीरो हुआ जोड़ लेता जी, ठीक है। तो वही कंडीशन है कि जब भी गुड़ा का केस रहेगा तो हम दोनों जीरो को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, दोनों जीरो को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, दोनों जीरो को जोड़ लेंगे। ये हमारा हो गया एक कॉन्सेप्ट, बात समझ आ गई,
यहां तक क्लियर है? अब अगला देखिएगा इसी में, ये तो था ठीक है। अब जैसे बोल दे लो एक क्वेश्चन इंटेलिजेंट वाला, बच्चों वाला, एक गुड़े, तीन गुड़े, पांच गुड़े, सात गुड़े, नौ गुड़े, डैश डैश डैश, बोल दे चलो भाई 999 तक में शून्यों की संख्या बताइए, संख्या बताइए ठीक। आपने कहा था गुरु पांच को देखना है, हमने ये भी तो कहा था कि दो को भी देखना है। पांच को तो तुम देख लोगे, पांच मिलेगा, पंद्रह मिलेगा, पच्चीस मिलेगा, मिलेगा, लेकिन क्या मेरे भाई दो मिलेगा? जब तक दो नहीं रहेगा तो जुड़वा किससे बनाऊंगा? तो यहां पे दो नहीं है, दो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब दो नहीं है, पांच मेरे पास अनलिमिटेड रहे, हमसे मान लो तीसे आ जाए, चालीसे आ जाए, और यहाँ जीरो है, तो क्या हम जोड़ा बना पाएंगे? और जब जोड़ा नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? जीरो जीरो बनेगा, मतलब वहां शून्यों की संख्या नहीं होगी, नहीं होगी। अब चल ये बात हो गया, अब इसको हटाते हैं, अगला देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब कहते चलिए सर आप विषम पे तो लिख दिए, तनिषम पे आ जाइएगा, दो गुड़े, चार गुड़े, छह गुड़े, डैश 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 से लेकर बोल दिया जाए सपोज करो सौ तक, क्योंकि हमको दिखाना भी है कहाँ कहाँ जीरो आएगा, तो कमी लेना पड़ेगा कितने पांच आएंगे कितने क्या आएंगे। अब कहोगे सर आप कहे थे कि पांच आना चाहिए, यहाँ पांच नहीं है, पंद्रह नहीं है, अबे तो दस है ना, दस है कि नहीं है, दस है, बीस है, पच्चीस, तीस है, इन जगह पे पांच आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि जीरो का फॉर्मेशन हुआ, बट ऑब्वियसली आएगा, तो कितना होगा? तो इसको करने के लिए जब भी सम संख्या रहे तो इसको किससे काट दीजिएगा? दो से, दो से काटेंगे तो गुरु कितना आ जाएगा? पचास। दो से काटे तो कितना आ गया? पचास। और पचास आ गया, अब पचास पे लगा दीजिएगा फैक्टोरियल, कितना? पांच से काटेंगे दस बार में, पांच से काटेंगे दो बार में, यानी इसको काट देंगे, कुल कितना जीरो आएगा? बारह। काटने पे जो आएगा उससे, काटने पे जो आया तब करना ही नहीं, सौ पे स्टार्ट हो जाएगा, क्यों आया? बारह जीरो देख लो कहाँ कहाँ आएगा। अब कहे सर बारह हो तो आया, दिखा दो तो पहले हमको, तो हम दस पे दिखाएंगे, बीस पे दिखाएंगे, तीस पे दिखाएंगे, चालीस पे दिखाएंगे, पचास पे दिखाएंगे, साठ पे दिखाएंगे, सत्तर पे दिखाएंगे, अस्सी पे दिखाएंगे, और कहाँ नब्बे और सौ, बिना दिखाए तो उनको जाएंगे नहीं, पक्का दिखाएंगे ठीक है। कहाँ कहाँ आया देखो, दस बार तो सीधे आया, दस बार कितनी बार आया सीधे? अरे भाई एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और यहाँ एक बार, यहाँ दो बार, क्यों? पचास पे क्या हो जाएगा? दो गुड़े, पांच गुड़े, पांच, यहाँ क्या बार आया? दो बार। यहाँ क्या बार? एक बार। बारह पचे, यहाँ चौदह पचे, यहाँ सोलह पचे, यहाँ अठारह पचे, और यहाँ दो बार। तो जोड़ लो, एक दो तीन चार दो छ, छह सात सात आठ, आठ आठ नौ, नौ नौ एक दस, दस दो बारह, कुल कितना जीरो आ रहा है? बारह। और बारह बारह अगर पांच आ गया और दो रहेगा तो कुल मेरे गुरु पेयर कितना बनेगा? ध्यान से देख लीजिएगा, कुल कितना पेयर बन जाएगा? बारह जीरो। इसमें बारह जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? बारह। ये इंपॉर्टेंट था ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये एक स्लाइड था, अगला स्लाइड देखिएगा, अगला क्या करना है हमको ध्यान से, अगर कोई सवाल आपसे पूछ दे, कैसे पूछ दे, जैसे मान लो कुछ भी कर देता है, क्या कर देता है आप कहना चाहेंगे तो क्या कर ले, चलो हम कर देते हैं 120, 121, ये भी तो हो सकता है किसी के दिमाग में, सर ऐसे होगा तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे 200 तक सपोज कर लेते हैं ठीक। तो ये फैक्टोरियल कंडीशन बन रहा है, कैसे बन रहा है ध्यान से समझना, पांच हमको निकालना है, हम कह देंगे कि हम भैया एक से लेके लिखेंगे कहाँ तक, 200 तक, कोई दिक्कत? 200 तक लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे कहाँ तक, एक दो से लेके डैश डैश 119 तक, तो हम कहेंगे भैया आपके पास 200 फैक्टोरियल है और मेरे पास 119 फैक्टोरियल है, है? अब यहाँ से हम जीरो की संख्या निकालेंगे, तो जीरो की संख्या अगर निकालते हैं पाँच से काटेंगे ये कितना आ जाएगा, 40, पाँच से काटेंगे आठ, पाँच से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एक, इसको छोड़ देंगे कुल कितना जीरो, 49। अब 100 ये वाला काटेंगे क्योंकि इतना पाँच निकल चुका है, इतना पाँच कब रहता, कब रहता, जब ये एक से लेके 200 फैक्टोरियल तक होता, हमने निकाल के दिखाया है, लेकिन अब 119 में पाँच खत्म करना है, करेंगे पाँच दूना दस
एक नौ पांच यानी पंद्रह, पांच से काट रहा कितना कटेगा, पांच चौके बीस, खत्म हो जाएगा, अब कटेगा नहीं। तो यानी सत्ताईस जीरो यहां से हटाना है, सत्ताईस जीरो हटा दिए और सत्ताईस जीरो हटाते ही ये कितना आ जाएगा गुरु, टोटल इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, बाईस, बाईस बार पांच बच चुका रहेगा, बाकी सत्ताईस बार हट चुका रहेगा। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा अभी तक, ठीक है। चले अगला सवाल देखते हैं, अगला हम क्या कर सकते हैं, अगला सवाल लिख लेते हैं। जैसे मान लो किसी का हो तो लिख लेते हैं, एक पे पावर चार गुड़े, दो पे पावर चार गुड़े, पांच पे पावर सॉरी तीन पे पावर चार, चार पे पावर चार, पांच पे पावर चार, डैश 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 डैश, मान लिया यहाँ तो भी पच्चीस पे पावर चार तक, ठीक। हमने कहा देखो चार चार सेम है, क्या सेम है देखो, और दो हर बार मुंह उठा के बैठा रहेगा, फिर खेल किस पे आ गया, पांच पे। अब पांच पे हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हमें देखना पड़ेगा पांच कहाँ कहाँ आएगा, पांच पे पावर चार, दस पे पावर चार क्योंकि चार ही चार रहेगा, फिर पंद्रह पे पावर चार, फिर बीस पे पावर चार, फिर पच्चीस पे पावर चार। अब यहाँ चार की संख्या जोड़ लेंगे, किसकी जोड़ लेंगे, चार की संख्या जोड़ लोगे ना, नहीं समझ में आया तो फिर सब देख लेना रिमाइंड करके, क्योंकि चार चार पावर है, ये बार बार रिपीट आएगा, दो वाला पांच वाला नहीं आएगा। तो यहाँ गुरु कितनी बार आ जाएगा, चार बार, यहाँ कितनी बार आ जाएगा, चार बार, यहाँ कितनी बार आ जाएगा, चार बार। क्यों हो रहा है देख लो, दो गुड़े पांच करेंगे और उस पे पावर चार करेंगे, तो दो पे पावर चार और पांच पे पावर क्या आ जाएगा, चार, तो चार आ जाएगा। सेम यहाँ चार बार और यहाँ पे चार बार, लेकिन यहाँ पे आठ बार क्यों आएगा, क्योंकि 25 को लिखें, ये दो गुड़े पांच गुड़े पांच, और यहाँ अगर चार देते हैं तो पांच पे चार ये बटेगा स्पेस पे, पांच पे चार गुड़े पांच पे चार, यानी कुल कई बार आ गया, पांच पे आठ हो जाएगा, यानी कुल कई बार आएगा, आठ बार। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कुल कितनी बार आएगा, आठ बार। तो अगर मुझसे यहाँ जीरो की संख्या पूछी जाएगी तो हम कितना कहेंगे, हम कहेंगे आठ आठ सोलह, सोलह आठ, टोटल कितना जीरो कहेंगे, चौबीस। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझते हो, चलो कोई दिक्कत होगा तो फिर से बताइएगा, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, किसमें से, यहाँ से ये दो, उससे कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप, क्योंकि पांच पे डिपेंडेंसी देखना है, इसमें तो चार आ ही जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितनी बार हो गया, चौबीस बार, इससे हमसे मतलब है, तो इस चीज को बस यहाँ तक कंटिन्यू कर रहे हैं, ये चीज समझ में आ रही है इतना, तो अब इसको देखते हैं आगे। और इस पे जो भी सवाल होंगे, नंबर ऑफ जीरोस आप लोग ट्राई करिएगा, जो कुछ भी दिक्कत होगा, ठीक, मेरे कांटेक्ट में रहिएगा, नंबर टेलीग्राम चैनल बहुत जल्द हम फॉर्मेट फॉर्म कर लेंगे, तो उस पे आप चाहें तो पब्लिक कर देंगे, सबको ही अपना कमेंट या जो भी सॉल्यूशन रहेगा, कोई भी दिक्कत हुआ तो वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। अब अगला हमको देखना है, अगला हम पढ़ेंगे, देखो नंबर ऑफ जीरोस खत्म हो गया, मैक्सिमम पावर खत्म हो गया, एक साथ दोनों वीडियो खत्म हो गया है, अब इसके आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे देखो, ये अगला टॉपिक अगर हम लोग को जो पढ़ना है, अगले स्लाइड में हम लोग कभी पढ़ लेंगे, पढ़ा के इसको, यूनिट डिजिट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है यूनिट डिजिट, तो इसको हम लोग क्योंकि तीन पार्ट में पढ़ना है, आप लोग केवल घातांकीय पढ़ते हैं, हम तीनों पढ़ा देंगे, ठीक है, कैसे कैसे होता है, इससे पहले इसको बाद में पढ़ाएंगे, तो इसको हम देख लेंगे कैसे होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लो, जैसे हम लोग फैक्टोरियल पढ़ रहे थे तो कभी कभी आ जाता है फैक्टोरियल जीरो, तो फैक्टोरियल जीरो या फिर जीरो फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो इसका मान होगा एक, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और फैक्टोरियल वन का मान वन ही होता है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसका यूज कब पड़ेगा, शेषफल प्रमेय में ये आएगा, फैक्टोरियल जीरो से लेके फैक्टोरियल दे देता है वहां तक, तो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक। और आज के लिए आप लोग से अनुरोध है कि जितना से जितना ज्यादा आप इसको सब्सक्राइब करा सकते हैं उतना ज्यादा करवाइएगा, और शेयर करिए, सबसे बड़ी बात है शेयर करिए, हर बच्चे के पास, मेरी पहला मोटो यही था कि पूर्वांचल के हर बच्चे के पास ये कंटेंट पहुंचे, शेयर करिए जितना ज्यादा हो सकता है, फेसबुक व्हाट्सएप कहीं भी, हर जगह से शेयर करिए, ठीक है। जो जरूरतमंद बच्चा हो, खजनी में बैठा हो, आपकी मालनपार में बैठा हो,
कहीं इधर महाराजगंज का हो, गुलरिया थाने का हो, चाहे बस्ती का हो, चाहे खलीलाबाद हो, चाहे कुशीनगर हो, हाटा हो, कहीं का भी बच्चा हो, उसके पास ये वीडियो जाए, जिससे उसको मालूम चले कि हमें क्या नहीं मिल रहा है इस गोरखपुर में, ठीक है। उसको कम से कम पता चले कि हम कितने अंधकार में हैं, ठीक है। हर कंटेंट आपको प्रोवाइड मिलेगा, बस आप लोग से यही अनुरोध है कि हमको जितना ज़्यादा जितना हो सकता है सपोर्ट की आवश्यकता है, सपोर्ट करते रहिए, शेयर करिए, वॉच टाइम बढ़ाते रहिए, पूरा वीडियो कंप्लीट देखा करिए, बस इसके आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। कल देखते हैं कल किस कंटेंट के साथ मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर, पक्का है। बस आज के लिए इतना ही।